फ्रांसीसी स्कूलों में सिख बच्चों के पगड़ी पहनने पर लगी पाबंदी के खिलाफ आज सिख समुदाय ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इन दिनों भारत दौरे पर हैं, इसीलिए सिखों ने एक बार फिर ये मुद्दा उठाया है। सिखों का मानना है कि पगड़ी पर प्रतिबंध हटवाने के लिए भारत सरकार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर दबाव डालना चाहिए। ये है फ्रांस के खिलाफ सिखों की पगड़ी की लड़ाई जो दिल्ली में लड़ी जा रही है। दरअसल फ्रांस के स्कूलों में सिखों के पगड़ी पहनने पर बैन है। फ्रांस में सिख पगड़ी पहनने के अधिकार को लेकर अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, और अब जबकि खुद फ्रांस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं, तो देश के सिख चाहते हैं कि भारत सरकार उनसे इस मामले पर खुलकर बात करे और पग पर लगी पाबंदी हटवाए। फ्रांस के अंदर स्कूलों पे बैन लगाया हुआ है कि पगड़ी नहीं बांधी जा सकती। सिख बच्चे अगर पगड़ी स्कूल से नहीं बांधना शुरू करेंगे, बड़ी उम्र में जाके पगड़ी की आदत नहीं रहेगी, यहाँ तो वो टोपियां डालेंगे या अपने केस जो है वो कत्ल कराएंगे। हम चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पूरा प्रेशर डाले और ये बैन उठाया जाए। सिखों के लिए पगड़ी उनकी आन बान शान होती है। यही वजह है कि सिख कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री सिख होने के बावजूद अगर फ्रांस सरकार से पगड़ी मामले पर खुलकर बात ना की गई तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। पगड़ी हमारी दांतों की शान है, हमें सिख की स्वरूप है, हमारी पहचान है सरदारों की बार, तो हम यही चाहेंगे कि फ्रांस गवर्नमेंट अपना रूल वापस ले ले। पगड़ी धारण करना सिखों का अपने गुरु को दिया एक दृढ़ वचन है। इतिहास गवाह है कि सिखों ने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपना शीश दे दिया, लेकिन पगड़ी की इज्जत को बरकरार रखा और वो अब भी ये इज्जत कायम रखने के लिए हर लड़ाई के लिए तैयार हैं।